सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है प्राइम शतक का। राजस्थान में साफ दिखे गहलोत पायलट पर अंदर खाने में तनाव जारी। यात्रा के बाद कांग्रेस लेगी बड़ा फैसला। महाराष्ट्र के मंत्री शंभूराज देसाई ने कर्नाटक को दी पानी रोकने की चेतावनी। सीमा विवाद पर बढ़ सकती है तकरार। केरल में नाबालिग बेटी ने जीती कानूनी लड़ाई। हाईकोर्ट ने बीमार पिता को लीवर दान करने की दी इजाजत। कांग्रेस को मंडाविया का जवाब। हिमाचल सीएम यात्रा में गए फिर संक्रमित हुए। देश को कोरोना से बचना मेरा दायित्व। एमपी में सड़कों पर उतना जैन समाज समेत शिखरजी तीर्थ को पर्यटन स्थल बनाने का विरोध। बालाघाट में खून से किए गए हस्ताक्षर। पश्चिम बंगाल एसटीएफ को मिली बड़ी कामयाबी। सिलीगुड़ी में संदिग्ध आईएसआई जासूस गिरफ्तार। मैं अपने जूते का फीता बांध रहा था, राहुल गांधी का नहीं। कांग्रेस नेता भंवर जितेंद्र सिंह ने बीजेपी के दावों को किया खारिज। टीएमसी विधायकों को कभी नहीं खरीदेंगे। अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो वह राज्य में बुलडोजर पॉलिटिक्स शुरू करेगी, बोले सुवेंदु अधिकारी। पीएम मोदी से मिले कैथोलिक बिशप्स के अध्यक्ष मॉर एंड्रयूज दादर। पोप फ्रांसिस को भारत आमंत्रित करने को कहा। गुजरात के अहमदाबाद अस्पताल की अलमारी में बेटी का शव। बिस्तर के नीचे मां की लाश मिलने से हड़कंप। जांच में जुटी पुलिस। फडणवीस की पत्नी ने मोदी को राष्ट्रपिता बताया। बोली गांधी जी पुराने भारत के प्रधानमंत्री, न्यू इंडिया के फादर ऑफ नेशन। देश में कोरोना का खतरा। सरकार ने की मास्क बूस्टर की अपील। दिल्ली में एक मौत के बाद केजरीवाल ने बुलाई इमरजेंसी मीटिंग। चीन सीमा पर तैनात हुए आईएएफ के गरुड़ कमांडो। लद्दाख से अरुणाचल तक सिक्सायर जैसे हथियारों से लैस स्पेशल फोर्स। हरियाणा में भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा दिन। राहुल गांधी ने रास्ते में बच्चों महिलाओं से बात की। हड्डा सैलजा और सजवाला साथ चल रहे हैं। तेजी से धसने लगे उत्तराखंड के पहाड़। देश के सबसे लंबे जोशी मठ ओली रोप के पर खतरा। 36 परिवार शिफ्ट किए गए। हापुड़ में कोरोना को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। प्रतिदिन 1000 लोगों की सैंपलिंग। मास्क लगाने की अपील की गई। चौथी लहर से भी कमजोर होगा BF.7 वेरिएंट। BHU के डॉक्टर बोले चीन से दोगुना ज्यादा कारगर है इंडियन वैक्सीन। भारत को खतरा कम। मुंबई और बेंगलुरु की फ्लाइट निरस्त। कानपुर में 28 बसें कैंसिल। 1876 यात्रियों ने लौटाए ट्रेन के टिकट। सहारनपुर की 5 ट्रेनों के रूट में बदलाव। लखनऊ रेल मंडल 24 दिसंबर से इंटरलॉकिंग और नॉन लॉकिंग का चलेगा काम।
बरेली में 8वीं तक के स्कूलों का समय बदला, डीएम के आदेश पर बीएसए के क्या बदलाव, 1 जनवरी से सरकारी स्कूल में 15 दिन का अवकाश। चोरी का केस दर्ज न होने पर व्यापारियों का प्रदर्शन, लखनऊ में नीलगिरी कॉम्प्लेक्स में चोरों ने कपड़ा और नकदी की थी चोरी। मुस्लिम छात्र के पास मिली हिंदू नाम के फर्जी आईडी, डीएस कॉलेज छात्राओं से छेड़छाड़ कर रहा था आरोपी। गंगा में डूबा मेरठ का यूट्यूबर, ऋषिकेश में करता है फ्रीलांस फोटोग्राफी, कांग्रेस पार्षद का भाई था। एनएचएआई को करोड़ों का नुकसान हुआ, व्यावसायिक वाहनों के द्वारा टोल ओवरलोडिंग न देने से हुआ नुकसान। मुरादाबाद में एनकाउंटर, दो मीट माफियाओं को लगी पुलिस की गोली, गोवध में दो वांटेड। बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में जूनियर्स को दौड़ा दौड़ा कर पीटा, रैगिंग को लेकर 5 घंटे तक उपद्रव पथराव, 4 इंजीनियर स्टूडेंट्स के सिर फूटे। भदोही में ठंड की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त, डीएम ने 8वीं तक के स्कूलों का समय बदला, अब 9:30 बजे से लेकर 3 बजे तक खुलेंगे स्कूल। फिरोजाबाद में विश्व हिंदू महासंघ ने फूका शाहरुख खान का पुतला पठान फिल्म का विरोध किया, बोले संस्कृति के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। मां को गाली देने से रोकने पर भाई की हत्या, छोटे ने बड़े भाई को सिलबट्टे से मारा, पत्नी ने लाठी डंडों से पीटा आरोपी दंपति फरार। कन्नौज में हाईवे के किनारे 3 मजदूरों को डीसीएम ने रौंदा, 1 की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल, मजदूरी कर लौट रहे थे सड़क किनारे, साथियों का कर रहे थे इंतजार। हाथरस हादसे में 5 साल के मासूम की मौत, गेस्ट हाउस के बाहर रोडवेज बस ने मारी टक्कर, पजनों के संग आया था शादी में। अमरोहा में पूर्ति विभाग ने पकड़ा सरकारी राशन, 150 क्विंटल गेहूं और 63 क्विंटल चावल बरामद, आरोपी पर एफआईआर। इटावे के चगनगर से 3 बच्चे लापता, 15 साल के 2 लड़के, 13 की लड़की की तलाश में जुटी पुलिस, ऑटो में बैठकर जाते देखा गया था। अंबेडकर नगर में 8 उपनिरीक्षकों का तबादला, इरौली थाना अध्यक्ष भेजे गए क्राइम ब्रांच, रमेश बने शाहजादापुर चौकी प्रभारी। बदायूं में पूर्व प्रधान समेत 2 सचिवों पर गबन का मुकदमा, 16 लाइट और कूड़ेदान लगवाने के नाम पर किया गया बंदरबांट। समय शिखर को पर्यटन स्थल घोषित करने का विरोध, बहराइच में जैन समाज के लोगों ने निकाला जुलूस, बोले निर्णय को लिया जाए वापस। चिन्मयानंद के अग्रिम जमानत मंजूर, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सरकार और पीड़िता से जवाब तलब किया, 4 सप्ताह में देना होगा जवाब। कुशीनगर में आग में झुलसे शख्स ने तोड़ा दम, 11 दिन पहले विधवा को केले के पत्ते पर धमकी देकर चलाया गया था, बुरी तरह से झुलस गया था ससुर। बरेली में 500 साल पुरानी मजार पर विवाद, रेलवे ने इज्जत नगर स्टेशन से मजार हटाने का दिया नोटिस, पहले किया गया था सौंदर्यीकरण। श्रावस्ती में कुंड में उतरता मिला महिला का शव, शनाख्त कराने में जुटी पुलिस, से सूचना देने के लिए सीओ का सीएयूजी नंबर जारी किया गया।
बुलंदशहर में पुलिस और बदमाश में हुई मुठभेड़, पुलिस की गोली लगने से घायल अवस्था में बदमाश को किया गिरफ्तार। चंदौली पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, 54 गोवंशों के साथ 5 तस्करों को किया गिरफ्तार। कानपुर में अज्ञात कारों के चलते कार में लगी आग, आग लगने से इलाके में मचा हड़कंप, कार हुई जलकर खाक, आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं हुआ। ओवरलोडिंग को लेकर परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने कसा शिकंजा, आसपास जिलों के 5 आरटीओ ने मोरंग मंडी में मारा छापा। खानपुर में सपा विधायक इरफान सोलंकी को बड़ा झटका, फर्जी आधार कार्ड मामले में इरफान की जमानत याचिका खारिज की। उत्तराखंड के रूड़की में लिव इन पार्टनर के चरित्र पर प्रेमी को शक था, सबक सिखाने को उसके बेटे को उतारा मौत के घाट। बंद्रा रिसोर्ट में रिसेप्शनिस्ट की हत्या मामले में सीबीआई जांच को लेकर दायर याचिका, हाईकोर्ट से खारिज, एसआईटी की जांच को बताया सही। पति की दूसरी शादी का विरोध करना, पत्नी को पड़ा भारी, ससुरालियों ने घर से निकाला, देवर ने की हैवानियत। उत्तराखंड विधानसभा से बर्खास्त कर्मचारियों को पुलिस ने जबरन उठाया, प्रदर्शनकारियों को किया गिरफ्तार। आईआईटी रुड़की के रिसर्चर्स ने विकसित किए किफायती सोलर सेल, अब कम खर्च में संरक्षित होगी अधिक ऊर्जा। उत्तराखंड में थानों के पास टूटा भोपाल बना पुल, दोनों तरफ लगी वाहनों की कतार, पुलिस ने रोकी आवाजाही। अनिवार्य रूप से होगी कोरोना संक्रमित सैंपलों की जीनोम सीक्वेंसिंग, नए वेरिएंट को लेकर अलर्ट। पति की दूसरी शादी रोकने पहुंची पत्नी, तो ससुराल वाले बने जालिम, देवर ने की बदसलूकी, सारी हदें पार कर दी। उत्तराखंड में जल्द जारी होगी कोविड एसओपी, स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने ली समीक्षा बैठक। उत्तराखंड में जल्द लागू होगी रूफ गार्डनिंग प्रोत्साहन योजना, देहरादून से होगा पायलट प्रोजेक्ट शुरू। विधानसभा के बाहर धरने पर बैठे बर्खास्त कर्मचारियों की पुलिस से झड़प, दो महिला कर्मचारी गिरफ्तार। उत्तराखंड में ई रिक्शा चालक ने महिला ट्रैफिक पुलिसकर्मी को दी वर्दी फाड़ी, वायरलेस से जमीन पर फेंका, गिरफ्तार। उत्तराखंड में पुलकित और पुष्प के बीच हत्या की रात हुई थी बात, एसआईटी ने इकट्ठा किए 12 से ज्यादा सबूत। उत्तराखंड के देहरादून में नशे में तर्मादारों से बदसूरत करने पर डॉक्टर ने लंबित, वीडियो वायरल होने पर हुई कार्रवाई। उत्तराखंड के वरिष्ठ पत्रकार योगेश भट्ट को राज्यपाल ने दिलाई सूचना आयुक्त पद की शपथ, 3 साल रहेगा कार्यकाल। सीने में जहरीला इंजेक्शन देकर यहूदियों को मारा था, अब आदेश टाइप करने वाली 57 साल की महिला को मिली सजा।
डच पीएम ने गुलामों से मांगी माफी, 6 लाख गुलामों को किया था व्यापार, आज 4 करोड़ गुलाम, इनमें 48 लाख महिलाएं। यूएनएससी में म्यांमार संकट को लेकर पहला प्रस्ताव पास, सेना से आंग सान सू की समेत हिरासत में रखे नागरिकों को छोड़ने की मांग। दुनिया में फिर हाहाकार मचा सकता है कोरोना, चीन में BF.7 से तबाही, WHO ने कोविड डेटा मांगा। ब्रिटेन सांसद प्रीत गौर किल ने भारतीय वंशी डॉक्टर की खुदकुशी की जांच की मांग की, सुसाइड नोट का किया जिक्र। दुनिया में कोरोना का खतरा, चीन के बाद जापान, फ्रांस में बढ़े कोरोना मामले, WHO बोला महामारी के अंत की घोषणा करना जल्दबाजी होगी। जंग के 10 महीने बाद जेलेंस्की का पहला विदेशी दौरा, बाइडेन बोले यूक्रेन कभी अकेला नहीं होगा, $1.85 बिलियन की सैन्य सहायता भी दी। चीन के मशहूर सिंगर जानबूझकर हुई कोरोना पॉजिटिव, BF.7 वेरिएंट से संक्रमित दोस्तों को गले लगाया, फैंस के गुस्सा होने पर पोस्ट डिलीट की। शमशान में भीड़, लेकिन चीन अनलॉक पर उतारू, लोगों से कह रहा संक्रमित हो तब भी काम पर लौटो, अर्थव्यवस्था को बचाना ज्यादा जरूरी है। पुतिन का बड़ा दावा, बोले जनवरी में हमारे पास होगा हाइपरसोनिक जिरकॉन मिसाइल सिस्टम जिसका दुनिया में नहीं कोई तोड़। रिलायंस ने किया मेट्रो का अधिग्रहण, कंपनी को 31 लार्ज फॉर्मेट रिसोर्ट का एक्सेस मिलेगा, 2,850 करोड़ रुपए में हुई डील। '23 में मामूली बढ़ेंगी ब्याज दरें, भारत में रेपो रेट रिटेल महंगाई से 0.37% ज्यादा, नए साल और महंगे होंगे लोन। एयरपोर्ट पर कम होगी भीड़, लैपटॉप मोबाइल और चार्जर निकालने बिना होगा सिक्योरिटी चेक, जल्द लगेंगे नए स्कैनर। हुंडई आइनोइक 5 की प्री लॉन्च बुकिंग शुरू, 5 सेकंड में पकड़ेगी 100 किलोमीटर की रफ्तार प्रति घंटे। पचास डिफॉल्टर्स ने बैंकों में नहीं लौटाए 92,570 करोड़, मेहुल चोकसी की फर्म गीतांजलि रत्न में सबसे ज्यादा बकाया। एफटीएक्स के पूर्व मुखिया को एफबीआई के हवाले किया गया, बहामास से न्यूयॉर्क लाए गए। नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया का बड़ा बयान, बोले चालू वित्त वर्ष में 7% से ज्यादा रहेगी आर्थिक वृद्धि दर। बायजू अभिभावकों को नंबर लेकर धमकी दे रहा है, कोर्स नहीं खरीदा तो बच्चों का भविष्य होगा बर्बाद। क्रिप्टो करेंसी से आ सकता है अगला वित्तीय संकट, आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास बोले इसकी ठोस वैल्यू नहीं है, इस पर प्रतिबंध लगना चाहिए। चीन की सबसे बड़ी स्मार्टफोन निर्माता कंपनी छटनी शाओमी ने अपनी टोटल वर्कफोर्स में 15% वर्कर्स को जॉब से निकाला। अगले हफ्ते चुनी जाएगी श्रीलंका के खिलाफ सीरीज के लिए भारतीय टीम, रोहित का चयन मेडिकल अपडेट पर निर्भर। रमेश राजा की छुट्टी के बाद वर्ल्ड कप में हिस्सा लेगा पाकिस्तान, एशिया कप भी होगा शिफ्ट।
टेस्ट में करियर बेस्ट रैंकिंग पर पहुंचे अक्षर, कुलदीप को 19 का स्थान, फायदा पुजारा गिल भी चमके। ब्रैंडन मैकुलम को मेन नीलामी में मालामाल हो सकता है, स्पिनर रेहान अहमद पाकिस्तान पर बरपाया था कहर। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल की रेस से पाकिस्तान बाहर, फिर भी कप्तान बाबर के समर्थन में आई शाहिद अफरीदी। रोहित से T20 और वनडे की कप्तानी छीनी जाएगी, हार्दिक होंगे नए कप्तान, बोर्ड बातचीत के, लेकिन पांड्या से समय मांगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रणजीत राजा की छुट्टी, नजम सेठी संभालेंगे जिम्मेदारी। पहले टेस्ट के प्लेयर ऑफ द मैच कुलदीप यादव दूसरे मुकाबले से बाहर, भारतीय फैंस निकाल रहे हैं भड़ास। जयदेव उनादकट को आखिरी कार मिली टीम इंडिया के प्लेइंग 11 में जगह, 12 साल के लंबे इंतजार के बाद हुई वापसी। रिमोट के बाद एक साल के अंदर ही प्रमोट हुए हार्दिक पांड्या, सी से सीधा ए ग्रेड में पहुंचा ऑलराउंडर। कॉन्ट्रोवर्सी के बीच रिलीज हुआ पठान का दूसरा गाना झूमे जो पठान पर दीपिका शाहरुख ने किया जबरदस्त डांस। आस्कर 2023 में ट्रिपल आर की हुई एंट्री, छेलो शो पहले से ही है, आस्कर 10 में कैटेगरी में शामिल कांतारों को भी मिल सकता है मौका। अनिल कपूर जैकी श्रॉफ का 21 साल बाद होगा रीयूनियन, दोनों अनीस बाजमी की कॉमेडी ड्रामा फिल्म चोर पुलिस में नजर आएंगे। ब्रांड प्रमोशन के लिए खुले कार में निकली अनुष्का शर्मा, सड़कों पर लगा जाम वीडियो देख ट्रोलर्स बोले अब प्रमोशन के लिए जुलूस भी निकाला जाएगा। कनेक्ट के स्क्रीनिंग पहुंची नयन तारा को फैंस ने घेरा, भीड़ में भागती दिखी एक्ट्रेस, पति विघ्नेश सिवन भी आए नजर। बेशरम रंग गाने पर मुनमुन दत्ता का जबरदस्त डांस, यूजर्स बोले पठान में आपको ही कास्ट करना चाहिए था। सिद्धार्थ मल्होत्रा ने की पीएम मोदी से मुलाकात, हंसिका मोटवानी ने फैंस को दिखाई पेरिस ट्रिप के अनसीन फोटो। करीना कपूर की अगली फिल्म में नजर आएंगे जयदीप अहलावत, बोले कभी काम नहीं मिलता था, अब अगले 2 साल तक डेट्स नहीं। अरहान ने मां मलाइका के ड्रेस का उड़ाया मजाक, कहा टेबल पर रखी नैपकिन की तरह लग रही हो। रोहित शेट्टी ने सिंघम अगेन को लेकर शेयर किया अपडेट, बोली ये फिल्म सूर्यवंशी से 10 गुना बड़ी होगी। आज के लिए शतक में बस इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।